तो इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे भारत के भूगोल के बारे में 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम, जो हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। वो तो ये 100 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे, और हर एक एग्ज़ाम में ये पूछे जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं इन्हीं में से। तो दोस्तों शुरू करते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के भूगोल के बारे में, कि भारत के भूगोल के जो 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास आया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत में विश्व का जो स्थान है वो 7वां है। 7वां हमारे भारत का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से स्थान है दूसरा, और प्रथम स्थान पर है चीन। उसके बाद आता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, ये आ गया दूसरा प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से जो स्थान है वो दूसरा है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो उत्तर में चीन है, नेपाल है और भूटान है। ये तीन देश भारत के उत्तर में स्थित है। चौथा प्रश्न है, देखते हैं हम भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो पूर्व में आता है बांग्लादेश, जो अपने सिक्किम और बंगाल की सीमा से लगा हुआ है। ये भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो दक्षिण पश्चिम में अगर सागर के बारे में आ जाए तो दक्षिण पश्चिम में जो सागर है वो अरब सागर है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न जो है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, जहाँ पर जो उत्तर भारत में बहने वाली जो नदियाँ हैं वो सबसे भी ज़्यादा बंगाल की खाड़ी में अपना जल लाती है, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र ये आती है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दक्षिण में महासागर है हिंद महासागर, ये भारत के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद आता है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं वो म्यांमार देश से भारत को अलग करती है। दसवां प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो ये करते हैं श्रीलंका से। मन्नार की खाड़ी और जल डमरू मध्य ये दोनों श्रीलंका से भारत को अलग करते हैं। भारत के दक्षिण में स्थित है। संपूर्ण भारत की जो अक्षांशी विस्तार है वो कितना है? तो अक्षांशी विस्तार जो है भारत का वो 80 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उसके बाद 12वां प्रश्न आता है, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य में गुजरती है कर्क रेखा। 13वां प्रश्न आता है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214। ये अपने जम्मू कश्मीर से लास्ट तमिलनाडु की सीमा तक 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक की बात करें तो ये है 2933 किलोमीटर। उसके बाद आता अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद 16वां प्रश्न आता है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो स्थित है वो अरब सागर में स्थित है। भारत का जो दक्षिण छोर क्या कहलाता है? तो दक्षिण छोर इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो पिग मिलियन पॉइंट भी कहते हैं इंदिरा पॉइंट को। उसके बाद 19वां प्रश्न देखते हैं हम, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42%। ये भारत का क्षेत्रफल जो विश्व के क्षेत्रफल में 2.42% है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? तो कुल जनसंख्या का जो 17% भाग है वो भारत में निवास करता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद 22वां प्रश्न देखते हैं हम, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हुए हैं? तो स्थल सीमा से बांग्लादेश लगा हुआ है, चीन लगा हुआ है, पाकिस्तान लगा हुआ है, नेपाल लगा हुआ है, ब्रह्मा लगा हुआ है और भूटान लगा हुआ है। ये 6 देश
भारत की स्थल सीमा से लगे हुए हैं। भारत की जल सीमा से किन देशों से मिलती है? तो जल सीमा मिलती है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये जो 6 देश हैं इनकी जो सीमा है वो जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा से मिलती है। उसके बाद 24वां प्रश्न आता है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर गुजरती है। ये 25वां प्रश्न देखते हैं हम, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? तो मुख्य भूमि की जो दक्षिण सीमा है वो 80° 4' से है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 डिग्री का अंतर है, 5.5 डिग्री का। 28वां प्रश्न देखते हैं हम, भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण छोर की किस दूरी इतनी दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा की भारत के दक्षिण छोर से तो वो दूरी है 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 5200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो तटरेखा की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। उसके बाद 31वां प्रश्न देखते हैं हम, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? तो उसकी तटरेखा की लंबाई है 7516, जिसमें सारे द्वीप समूह भी इसके अंदर शामिल है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो यह है हमारे पास 28.8% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। उसके बाद 33वां प्रश्न आता है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के 44% क्षेत्र पर मैदानी विस्तार है। उसके बाद 34वां प्रश्न आता है हमारे सामने, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कुल कितनी है? तो समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की कुल संख्या हमारे पास है 9। 9 जो ऐसे राज्य हैं जिनकी समुद्र तट रेखा है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो जो समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है वो है गुजरात राज्य की। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद 37वां प्रश्न आता है, भूमध्य रेखा के निकटतम कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के जो निकटतम स्थान है वो है इंदिरा पॉइंट। ये भूमध्य रेखा के निकटतम स्थान है। उसके बाद आता है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद 39वां प्रश्न आता है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी जो तटरेखा है वो है गोवा की, गोवा राज्य की तटरेखा सबसे छोटी। 40वां प्रश्न आता है हमारे पास, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो भारत की जो स्थल सीमा है वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सबसे प्राचीन भू आकृतिक भाग है। 42वां प्रश्न देखते हैं हम, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी जो समुद्र तट है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है 43 नंबर का, कि कोकण तट कहाँ स्थित है? तो कोकण तट गोवा से दमन तक ये कोकण तट आता है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो लक्षद्वीप समूह के जो द्वीपों की उत्पत्ति हुई वो हुई परवाल द्वारा। उसके बाद 45वां प्रश्न आता है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप स्थित है अंडमान सागर में, ये अंडमान सागर में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 46 आता है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप रामेश्वरम है। 47वां प्रश्न, लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। अगर 48वां प्रश्न आता है, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 36 द्वीपों में से 10 द्वीपों पर मानव रहते हैं, तो यहाँ पर मानव का वास है। 49वां प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस स्थान
को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो सफ़ेद पानी सियाचिन को जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और सबसे ऊंचा इलाका है ये। 50वां प्रश्न, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं अक्साई चीन। और जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है उसको बोलते हैं पोक या पाक अधिकृत कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, तो लद्दाख का जो मरुस्थल है उसको शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न आता है 52वां प्रश्न है, भारत की देशांतर स्थिति क्या है, तो देशांतर स्थिति है 68° 7' से 97° 25' तक। 53वां प्रश्न आता है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है 7 थे पहले, अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। उसके बाद आता है किस देश के साथ न्यूरमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है, तो वो जो द्वीप है न्यूरमूर द्वीप वो बांग्लादेश के साथ है, बांग्लादेश और भारत का इस द्वीप के बारे में या द्वीप के लिए विवाद है। 55वां प्रश्न आता है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो वो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 56वां प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है, तो दादर और नगर हवेली जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। 57वां प्रश्न देखते हैं, किस राज्य को पहले NEFA के नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को NEFA के नाम से भी जाना जाता था। 58वां प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, तो ये है दक्षिण अंडमान में, दक्षिण अंडमान में ये अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो स्थित है। 59वां प्रश्न, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी की 7 बहनों का भाग नहीं है, तो जो 7 बहनें जो उत्तरी पूर्वी राज्यों को जाना जाता है तो उसमें सिक्किम व पश्चिम बंगाल इसके अंदर नहीं आते हैं। 60वां प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है, तो यह है 23° 3' अक्षांश जो भारत को 2 भागों में बांटता है। आगे 61वां प्रश्न देखते हैं, हम उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं, तो उस समतल मैदान को कहते हैं भाखर या भावर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है, यह कच्छ के रण में स्थित है। 63वां प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ जो राज्य है वो है त्रिपुरा, इसके 3 ओर बांग्लादेश स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 64 देखते हैं, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है, तो मरुस्थल की जो राजधानी है वो जैसलमेर को कहा जाता है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है, तो अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के बीच में मालवा का पठार स्थित है। 66वां प्रश्न, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है, तो सभी द्वीप जो है प्रवाल उद्गम के हैं, ये भारतीय द्वीपों की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रश्न नंबर 67, मेकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मेकाल का जो पठार है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 68वां प्रश्न, छोटा नागपुर किस का नाम है, तो जो छोटा नागपुर है वो राज्य के पठार का नाम है। 69वां प्रश्न, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, तो 876 किलोमीटर, ये भारत का जो दक्षिणतम छोर है वो है जो 876 किलोमीटर दूर स्थित है। उसके बाद 70वां प्रश्न आता है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से है, तो भारत और चीन की सीमा रेखा को जो स्पर्श कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये जो 4 राज्य है ये भारत की जो चीन सीमा को स्पर्श करते हैं। उसके बाद 71वां प्रश्न आता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्ना ई मुड़ी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 72वां प्रश्न है, भारत के लिए सबसे प्रथम इंडिया शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, तो ये किया था ग्रीक ने, ग्रीक ने भारत के लिए सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद 73वां जो प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था, तो ये था जम्बू द्वीप का अंग, जम्बू द्वीप का अंग प्राचीन भारत को माना जाता है। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो यह है 82° 36' पूर्वी देशांतर पर। उसके बाद 75वां प्रश्न आता है, आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है, तो यह है बेरन
एवं नारकोडम के बीच में आदम का पुल स्थित है, जो श्रीलंका और भारत के बीच में आता है। उसके बाद हैदराबाद का जो जुड़वा नगर कहा जाता है, वो कहा जाता है सिकंदराबाद को। 67वां प्रश्न है, थार भूमि कहाँ स्थित है? तो थार का रेगिस्तान या ये स्थित है अपने राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो वो है उत्तर प्रदेश, जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। 69वां प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसको हम काला पानी का द्वीप भी बोलते हैं। 80वां प्रश्न है, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झांसी जो नगर है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 81वां प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल किस राज्य में स्थित है? तो ये जो सबसे लंबी सुरंग है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। 82वां प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो ये किया था सर सिरिल जॉन रेड क्लिप ने। तो इस सीमा रेखा को हम रेड क्लिप नाम से भी जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, और भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको मेक मोहन नाम से जाना जाता है। मेक मोहन भारत और चीन के बीच की, और भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है वो डूरंड रेखा के नाम से जाना जाती है। 83वां प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चीन नेपाल भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? चीन नेपाल और भूटान, तो वो राज्य है सिक्किम। सिक्किम जो है तीन देशों की सीमा को स्पर्श करता है। उसके बाद 84वां प्रश्न आता है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो आता है हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में। 85वां जो प्रश्न है वो है, डक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो ये है अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। 86वां प्रश्न आता है, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इंदिरा कोल। भारत की भूमि का उत्तरी भाग इंदिरा कोल, और दक्षिण भार जो भाग है वो कहलाता है इंदिरा पॉइंट। उसके बाद आता है 87वां प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये करता है आदम का पुल, ये मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। 88वां प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जो है उसको हम दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद 89वां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र आता है। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी क्या है? तो कुर्नूल या आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी है। 91वां प्रश्न है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंदर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आती है। उसके बाद 92वां प्रश्न, में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है सैडल पीक, यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। 93वां प्रश्न, मैंगलोर से कन्याकुमारी का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मालाबार तट। उसके बाद 94वां प्रश्न है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95, मारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? धारवाड़ का पठार, तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। 96वां प्रश्न, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद आता है 97वां प्रश्न, अन्नामुड़ई जो नामक चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है 2695 मीटर। 98वां प्रश्न, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान में है, ये अरावली की पहाड़ियाँ। उसके बाद 99वां प्रश्न है, अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो अरावली के जो पूर्वी भाग है वहाँ से बनास नदी निकलती है। उसके बाद 99वां जो प्रश्न है, बनास नदी, उसके बाद आता है 100वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है ये हमारा, ये है कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में संकोची नदी सीमा बनाती है। फिर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। भू वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? हिमालय पर्वत की जगह पहले क्या था ये आपको कमेंट में बताना है।
और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी प्रकार से नए वीडियो बना के लेके आएंगे, तो आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नए वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।